हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चीज रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम पहले रोटी को सेक लेते हैं। तो आप जैसे नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं, वैसे ही मैंने रोटी बनाया है। हाथ में इसको सेक लूंगी पहले। देखो कितना अच्छे से फूल रहा है धीरे धीरे। तो हमारा रोटी दोनों साइड से पक चुका है। तो क्योंकि हम रोल बनाएंगे तो मैं रोटी को नहीं सेकूंगी। अब हम स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पैन में ऑयल डालते हैं। मैं यहाँ पर राइस ब्रैन ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और मैं अब इसमें 2 स्लीट किया हुआ ग्रीन चिली डालूंगी। अब मैं इसमें बीन्स डालूंगी क्योंकि बीन्स हॉट सब्जी है, पकने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले बीन्स डाल रही हूँ। बीन्स थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम बाकी सब्जी को डालेंगे। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ कैरेट डाल रही हूँ। और मेरे पास कुछ फ्राई किया हुआ कॉलीफ्लावर है वो डाल रही हूँ, जो मैंने पहले से फ्राई किया हुआ है। और हम इसको अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन पीस दे दूंगी। अब मैं इसमें कोल्ड दूंगी स्वाद अनुसार। और रोस्टेड क्यूमिन और जीरा पाउडर डालूंगी। इसमें कोरिएंडर लीव डाला गया थोड़ा सा। तो हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम रोल को बनाना शुरू कर देते हैं। सब में जो रोटियां हमने बनाई था वो हम पहले डाल देंगे और साइड से ऑयल देंगे। तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं बेसिकली वही पराठा हम बना रहे हैं। हमारा पराठा बन चुका है थोड़ा सा। तो अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। अब मैं इसमें हमारा जो स्टफिंग बनाया था वो डालेंगे।
फिर उसके पहले हम इसमें टमाटो का मीठा चटनी डालेंगे इसमें ब्रेक करके। और हरी चटनी थोड़ा सा हरी चटनी डालेंगे। अब हम इसमें बीचों बीच ये स्लाइस चीज से वो रख देंगे। अब हम जो स्टफ किया था स्टफिंग बनाया था वो स्टफ करेंगे इसके अंदर। तो साइड में दे रहे हैं इसमें क्योंकि ये अच्छे तरफ से। अब मैं इसमें अनियन रिंग्स दूंगी कुछ। टमाटो स्प्रिंग अनियन अब इसको हम रोल आउट करेंगे। लीजिए हमारा रोल बिल्कुल चीज रोल तैयार है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस रेसिपी।